ये है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट और ये है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का एमआरएस लाउंज। लोग क्योंकि वापसी पर हैं तो यहाँ पे काफ़ी रश है और बड़ा अच्छा सा लाउंज है ये। Emirates Airline I think 6 घंटे की फ्लाइट है फ्रैंकफर्ट से दुबई तक की और हम लोग इस वक्त जा रहे हैं इमिग्रेशन काउंटर की तरफ और रास्ते में ये थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये दुबई एयरपोर्ट का ज़बरदस्त व्यू है और हमारे दोस्त भी फ्लाइट से आना शुरू हो गए। तो वी जस्ट लैंडेड टू दुबई एयरपोर्ट। ये है मिस्टर खमीसा बिन अब्दुल अजीज, इनकी आवाज़ चली गई है इस वक्त और हम अभी खोलने की कोशिश करेंगे। वो कौन था जो ऑटो पे चल रहा था? इस वक्त मैं हूँ मिस्टर सावर के साथ, ये मेरे साथ और मैं शाहिद भाई के साथ और बड़ा मज़ा आया हम लोगों को और नाउ वी आर गोइंग टू दुबई पार्टी। बाकी चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा। ये हम लोग इस वक्त जा रहे हैं बैगेज क्लेम एरिया की तरफ अराइवल्स और लेट्स सी लगेज किधर है। ये हमारे अब्बास भाई बड़े खुश हैं दुबई आके और ये जो है आपको वो एरिया दिखा रहा हूँ जहाँ से हम इमिग्रेशन की तरफ इंटर होते हैं। ये सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है जब आप लोग दुबई के लिए आते हैं तो आपको यहाँ से अपना इमिग्रेशन पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें को करवानी पड़ती हैं, उसके बाद फिर जो है पैकेज और ये सारा एरिया आता है। और ये हमें हमारा लगेज मिल गया है और ये सामने से आ रहा है। हमने एयरपोर्ट से ही गाड़ी करा ली थी होटल तक के लिए और ये मेरे दोस्त इस वक्त थके हुए बैठे हैं, ये खावर साहब, और हम लोग इस वक्त एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं होटल के लिए। हमने होटल की बुकिंग पहले ही booking.com से करवा ली थी तो अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ते के कुछ व्यूज़ हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये स्ट्रीट है दुबई की और बड़ा साफ सुथरा सा शहर है और ये जैसे आप देख रहे हैं तो ये हमारी बारात जो है वो आ चुकी है और काफ़ी थके हुए हैं लोग। अब जाके हमें रूम मिलेगा हमारे प्यारे हम्मद भाई, फारूक भाई, अजीज़ भाई, हमीसा बिन अब्दुल अजीज़। ये हमारे होटल की लॉबी है, साफ़ सुथरी लॉबी है और सामने जो है वो ब्रेकफास्ट एरिया है और ये रिसेप्शन है। अच्छा जी, ये अपार्टमेंट हमने लिया है हयात प्लेस में दुबई में, तो आपको टूर पे आते रहूँगा। दिस इज डाइनिंग सोफाज है, यहाँ पे टीवी रखा हुआ है और ये है विंडो। ये वाला
किचन है, और किचन के बाद ही आपका आ गया बाथरूम। दिस इज अ वन रूम, और ये है सेकेंड रूम। हर रूम के अंदर कैबिनेट्स हैं, और यहाँ पे जो है बाथरूम विद द टब, इट्स नाइस। यहाँ से हमारा नजारा, ये मस्जिद है सामने, ये सामने ही स्ट्रीट है, इट्स अ नाइस अपार्टमेंट। हाय फ्रेंड्स, अच्छा ये इस वक्त मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे हयात प्लेस पे, और ये बड़ी ही ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पीछे जो है सराउंडिंग में आप लोग देख रहे हो कि काफ़ी सारी स्ट्रीट्स हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस तरफ जो है सामने वाली साइड पे वो है शॉप वगैरह है, और ये पीछे एक बड़ी ज़बरदस्त सी मस्जिद है। अच्छा जी, मैं हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ बिलग्रामी साहब, और ये है हवर, और हम लोग इस वक्त हैं एक स्ट्रीट पे जहाँ पे बहुत सारी लाइट लगी हुई है। ये आपको दिखा दें, ये है कबाब अलबैर, और बड़ा ही ज़बरदस्त सा यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट है, और आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के खाने मिल जाते हैं। अल सुल्तान, ये लाइन से फूड स्ट्रीट बनी हुई है सारी। और इस स्ट्रीट के बाद हम लोग जा रहे हैं विलेज। ये है हमारे दोस्त अजीज जापान वाला, और पीछे जो नजर आ रही है ये आदमी जो है ये अयूब है। तो हम लोग अक्सर साथ में होते हैं। ये हमने गाड़ी करवाई है, और ये गाड़ी के अंदर बैठा हुआ दूल्हा। ये दूल्हा शर्माओ, मुंह पे हाथ रखो, GMC की लिमोजीन। ये दूल्हा आगे बैठा हुआ है, और ये दूल्हे के दोस्त आ गए। ये GMC के अंदर जो है ये दूसरा दूल्हा आया है, और ये मुस्कुरा रहा है देख के और फुल मजे में ये, और ये दूल्हे का साइड फ्रेंड। ये अली भाई होते तो मैं, हम दोनों में से एक जाता। दो गाड़ियां करनी, एक डिग्गी में जाता था। अली भाई को डिग्गी में उठाता। क्या बोला, डबल चीज बर्गर? वो तो भाई होटल पे, वहाँ तो मैं दोबारा कभी ठहरू नहीं, इतनी लंबी वॉक, 10 मिनट की वॉक। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग पहुँचे हैं इस वक्त विलेज, और मैं जा रहा हूँ इस वक्त विलेज के एंट्रेंस के पे,
पास, और ये सामने इसका व्यू है। सो आपको हम अंदर चल के दिखा रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका आर्किटेक्चर है, और अंदर चलते हैं और फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। ये इस वक्त हमें टिकट लेना था और यहाँ पे एक खातून मिली है, एंड शी सेड के वो हमें 20 में देगी, 20 दिरहम में, जबकि वहाँ पे 25 दिरहम के अंदर टिकट मिलता है। तो लेट्स सी, हम लोग चेक करने गए हैं कि काउंटर पे कि ये कोई स्कैम नहीं हो, बट लेट्स सी। ये है टिकट काउंटर और यहाँ से मिलती है टिकट, और ये हमारे भाई साहब लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे इनकी टिकट है, अच्छा वैल्यू टिकट 20 का है एंड डे टिकट 25 का है, ये फ़र्क है, देख रहे हो? डे टिकट, ये डे टिकट पूरे दिन का है शायद। कौन सा डे टिकट? देखो यहाँ पे लिखे हुए ना, वैल्यू टिकट जो है 20 दिरहम का है और डे टिकट एनी डे टिकट 25 का है, तो आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस। ये है विलेज की एंट्री, यहाँ पे सारा इन्होंने बनाया हुआ है, एक ऑर्नामेंट रखे हुए हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और